बाबर क्लब से जीशान भाई 4 साल पहले लड़ाते थे। भाई अपना क्लब है पुराना, एक नया बंडल है। प्राइस क्या है ये हम आपको वीडियो के कहीं बीच में बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग स्किप करके देख रहे हैं, मुझे पता चला है, तो इसलिए देखते रहिएगा पूरी वीडियो। प्राइस बताएंगे और अच्छी डोर है, कारीगर बता देना, सगीर इंडियन करके डोर है। और ये डोर, ये जो डोर है ये लाए थे संजय भाई की शॉप से। तो इस डोर को आज सबसे पहले पेज पर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कैसा रिजल्ट रहता है। वैसे हवा आज भी बहुत तेज है, जब से मई जून शुरू हुआ है हवा काफी तेज चल रही है। और दूसरी टीम के जो मेंबर है भी उनसे भी मिलवाते हैं। भाई तो अपना ही क्लब है और समझिए आपस में सब लोग लड़ा रहे हैं, लेकिन बढ़िया पतंगबाजी होगी आज। ये सब बाबर का इस क्लब के मेंबर जो खड़े हैं, ये बंटी भाई हैं, अच्छी लड़ाते हैं। चेक शर्ट में कैप लगाए वही शेखू भाई कैप्टन। कैप्टन और गंजू तो हटो बीच से, बीच में आ गए भाई। आते ही साथ ही जाहिद भाई ने जिशान भाई की पतंग का स्वागत कर दिया है। तैयार करके दूसरी तैयार करनी पड़ेगी, अब दूसरी तैयार करेंगे। जाहिद भाई क्या बताएं, इनका जूता इतना अच्छा है कि पतंग बाल दी तेज आंधी आंधी और आंधी और इनकी पतंग खड़ी गई। तोड़ दो और पूरी खल्लास, जितनी इन्होंने कोशिश की थी हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे और पड़ गई। और आंधी बहुत तेज, थपेड़ा बहुत है भाई। और पूरी टीम के मेंबर और इधर तो भाई बहुत अच्छे मेंबर हैं। पहला पेज, बाकी सब मेंबर पतंग को लंबे कर रहे हैं। बावर काइट क्लब और नदीम लड़ा रहे हैं पहला पेज। नीचे से चांस लिए, ऊपर से मुड्ढा रखते हुए निकलता हूँ, मुड्ढा बनाया बावर क्लब के मेंबर ने, अंदर की तरफ क्रॉस खींचा ताकत से, बढ़िया पेज अंदर की तरफ दिखाते हुए एक पेज पूरा कर लिया है नदीम ने लगान टीम के लिए। डालिया बजाओ, तुम लोग खुश नहीं हुए, पहला पेज काट दिया। ये देखो तुम चूस हो, इनकी ताली भी अलग है। रात में ट्रेनिंग देते हो तुम्हारे चाचा, रात में गाली देते हैं। अरे शारिक भाई, अरे ये बताओ क्या कहते हैं, नहला ऊपर से काटे या नीचे से? शेखू भाई बाबर क्लब के पुराने कैप्टन, सन 1921 में पैदा हुए थे और आज इनकी उम्र करीब करीब 100 साल के करीब करीब है। ऊपर से मुड्ढा उतारते हुए नीचे से नदीम का तीसरा पेज, थोड़ी सी पतंग शेखू भाई की कम है, ऊंचा करा, काफ़ी झोलदार पतंग है नदीम की। लंबे करते जा रहे हैं डोल निकालते हुए शेखू भाई भी। तीसरा पेज आज के दिन का, लगातार दोनों लोग डोर निकाल रहे हैं और रेंज बढ़ती जा रही है, बीच में लाते हुए एकदम निकलता हुआ गद्दा बनाया, पतंग अंदर की तरफ आ रही, भागता नदी में खींचा ताकत लगाते हुए खींचते लाया, अंदर की तरफ पूरी पतंग आई और कट गए। बढ़िया पेज है शेखू भाई ने काट दिया। तो भाई पहला पेज के लिए डोर बांध रहे और उधर से भाई के दो पेज हो गए। जी पहला पेज काट पाते के लिए जोर से फसा खींच के दोनों ट्राई करिएगा। नहीं पहला पेज अगर काट दिया तो एक ही पेज पे कर ले गया। नहीं फसा भी दे, पहला खींच के रखिएगा दूसरा फसा के। चलिए दिखाते हैं इनका पहला पेज बनेगा वैसा देखा जाएगा। फिर से जिशान भाई का पहला नई डोर, उधर से ये भाई का तीसरा पेज। जिशान भाई ऊपर से पतंग चलाया और जगह ली और नीचे से पूरी टीम के मेंबर, जिशान ने रिकॉर्ड गद्दा बनाया, रुके चलाया, बाहर का मुड्ढा बनाया, सीधा मुड्ढा और ये कट गए। पहली बार पहली डोर से कट गए, सीधा मुड्ढा बनाया कट गए, तीन पेज पूरे कर लिए पूरी टीम के। और भाई पेज काटने के बाद अब पूरी टीम के मेंबर की पतंग फंस गई है कहीं पर और इन्होंने पहली डोर कोशिश किया इन्होंने खींच के काटने का, लेकिन पहली डोर कट गया। ये झूठ है, झूठ
है, झूठ है। अरे अब तो झूठ ही जाएगी भाई। फिर से ईशान भाई, पहला पेज इनका और छठे पेज की रोक लेने की कोशिश करेंगे। ईशान भाई, ईशान ने ऊपर से जब पॉजिटिव नंबर, ईशान ने बाल का मोटा बनाया, डोरों पर रखा, ये कट गई, डोरों पर रखा, देते झटके दिया और कट गया। ईशान भाई छह पेज पूरे कर लिया पॉजिटिव। सातवां पेज, ओके, बस सातवें पे रोकने की कोशिश करेंगे। चचा अंदर बाहर ऑन राउंड सब तरीके की पतंग लड़ रही है, ये भाई काट रहे हैं। सातवां पेज, चचा मुड्ढा उतारते हुए बीच में एकदम पतंग को उतारा, अंदर के मुड्ढे पे ऊंचा करा, अंदर की पतंग अपोजिट टीम के मेंबर की निकलता हुआ खींचा, चचा ने रुक गया, चक्कर पे डोल निकाली और बढ़िया पेज काट दिया, रोक लिया सातवें पेज पे। इनको सब मालूम रहता है भैया, अच्छा बस ये काटते नहीं है, मालूम सब रहता। शारिक भाई दो पेज काट दिए शारिक भाई ने बाबर के, तीसरा पे लड़ा रहा हूँ, काफी रेंज में पतंग को लगाए हुए हैं, होने ही वाला है। ऊपर से मुड्ढा रखते हुए रिजवान, नीचे से शारिक, रेंज होगी करीब 400 मीटर से थोड़ी ज़्यादा ही होगी। निकलता मुड्ढा बना रहे, डबल होती हुई पतंग डोट फेंकते हुए ताका से खींचा शारिक ने, तेते थपकियाँ मार रहे हैं, अंदर की पूरी पतंग आई और कट गए रिजवान। तीन पेज पूरे कर लिए, सात का दूसरा पेज, ताकत बनाई और लगातार विन नॉट खींचते हुए बढ़िया पेज काट लिया। बढ़िया लौंडा, ये इनका लौंडा है, तैयार कर रहे हैं क्या? और क्या, इंशाल्लाह ये ऑल इंडिया चैंपियन बनेगा। ऑल इंडिया चैंपियन 2000 कौन सा? कोई भी किसी भी किसी भी ईयर का बनवा देंगे। 5 साल है अभी, थोड़ा सा बढ़ रहा है। दो पेज काट दिए साथ में, चाय हो गई, अभी कहाँ चाय हुई है? नहीं हुई है भैया, दो हैं, तीन हैं। तुम लोग तो और यार है, तुम लोग चाय के चक्कर में आए हो, दो हैं भैया, झूठ बोलने भाई इन लोग की बातों पे ना जाइए। सात का तीसरा पेज, ऊपर से सैफ और ये भी पुराने मेंबर हैं बाबर के, और नीचे से साध पतंग को चमकाते हुए मुड्ढा उतारा सैफ ने, बीच में एकदम पतंग को ला रहे हैं, गद्दार है दूसरे वाले, सब बाबर के गद्दार, मुड्ढा उतार रहे हैं, रुके हुए हैं, काफी ऊंचा करके चमका के मुड्ढा दे रहे हैं, साथ रखने का मौका नहीं दे रहे हैं, आसमान में एकदम जगह लेते हुए और बंटू मुड्ढा नहीं रख रहे हैं, सैफ नाम और पतंग को बचाते हुए बाहर निकाल लिया। जगह लेते हुए नीचे से साथ, तीसरा पेज, ऊपर से सैफ, बाबर के पूर्व मेंबर मुड्ढा उतार रहे हैं, भारी भार पतंग को निकालते हुए गर्दन के पास पहुंचे, थोड़ा सा घेर लिया, क्रॉस गद्दा मारा, पतंग सीधी हो रही है, क्रॉस की तब खींचा साथ ने, दो रो पे रखे हैं, गद्दा मारते आ रहे हैं, लेकिन शायद पेज नहीं आ, तेते थपकियां मार रहे हैं साथ, पेज नहीं आ रहा, काफ़ी नीचे पतंग चली गई, धीरे धीरे पतंग को उठाते हुए अंदर के मुड्ढे पे ऊंचा करा साथ ने, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, रोके हुए बाहर की तरफ, जैसे ही बनाया लेट हो गया अब की बार, और एक पेज पूरा कर लिया सैफ ने। कहाँ घूम सका हूँ हमें, अभी हम गाड़ियों के क्या पूरा खींच देते यार, रोकी क्यों, बहुत कम फटा हुआ है यार यहाँ। आदि भाई दूसरे पेज पे रोकने की कोशिश करेंगे बाबर क्लब के मेंबर को, नीचे से जगह लेते हुए अपोजिट टीम के मेंबर जिन्होंने 6 काटे थे वही मेंबर लड़ा रहे हैं, ताकत से जगह लेते आ रहे हैं, निकलता मुड्ढा बनाया, करीब करा, रोका, बहुत पीछे पड़ा रहा अपोजिट टीम के मेंबर, रोका, रोक के अंदर तब खड़ी पतंग खींचे और जैसे ही आदि ने दोबारा मुड्ढा बनाया कट गया, बढ़िया पेज काट दिया, दो पेज भाई ने पूरे कर लिए, हवा थोड़ी लेफ्ट की ओर और दो चार हाथ पीछे ही पड़ रहे हैं, तुमसे छोटा है शेगू भाई, चौथे पेज पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं चचा को, दोनों लोग चुस्कियां मारते हुए, पता नहीं चल रहा पेज आया है कि नहीं, मुड्ढा उतारा चचा की पतंग काफी बढ़ है, निकलता मुड्ढा शेगू भाई ने ला लिया, ताका से गद्दा मारते चले आ रहा, पट पे खींचा चचा ने, तेते थपकियां मारते हुए शेगू भाई ने वापस से पतंग को उठाया,
पूरा गद्दा नहीं मारा। फिर से निकलता हूँ, मुड्ढा बनाया, करीब परा चक्कर लिए, अंदर तब खींचा, बाहर तब खींचा, चचा ने रोके हुए और चक्कर काट दिए शेखू भाई के। बहुत ही खतरनाक पेज बाबर क्लब के उस्ताद शेखू भाई के कट गए। अरे हल्का रखवाए क्या? अरे चचा तेज ना खींचो भाई, तेज ना खींचो, तेज ना खींचो दादा, शेखू भाई मना कर रहे हैं। और चचा का पांचवा पेज होगा, रेंज 400 मीटर से ज़्यादा की हो गई है, काफ़ी रेंज में पतंग है, जगह लेते हुए और ऊपर से बीच में एकदम पतंग को धीरे धीरे लाते हुए निकलता हूँ। मुड्ढा बनाया, चचा की पतंग एकदम खड़ी, ताकत से गद्दा मारते जा रहे, सीधी पतंग उतर रही है अकेले की, ताकत से गद्दा मारते हुए और बढ़िया पेज काट दिया, बहुत लंबे से पतंग कट गई चचा की। ये रही चचा की पतंग, बहुत बड़ से कट गई। और कुछ प्लेयरों को नहीं बुलाया गया तब भी आ जा रहे हैं, भीड़ लग रही है, नहले की तैयारी हो रही। और भाई फिर से नई डोर का इनका चाय वाला पेच, चीज करेंगे अपनी चाय बचाने की। ये है दोनों खिलाड़ी की बतंगे, अपोजिट टीम मेंबर नीचे से जगह लेते हुए, ऊपर से जिशान भाई, और जगह ली अपोजिट टीम मेंबर ने हाथ पे चले, जिशान भाई ने गर्दन पर रखा, सीधा मुड्ढा, रुके चक्कर दिए, सीधा मुड्ढा उतार, जिशान भाई ने फिर तो झटके दिया भाई, चाय बचा ली, ये क्या चाय बचा ली, चलो भैया चाय बच गई। बाबर के खतरनाक मेंबर शारिक भाई तीसरे पेज पे रोकने की कोशिश करेंगे सैफ को, पतंग को चमकाते हुए ऊपर से मुड्ढा उतारा शारिक ने, ताका से गद्दा मारा, सीधी पतंग उतार रहे हैं, सैफ ने डोरों पर रखा, पतंग को चलाया, तेते थपकी मारी और पेज अभी है, पतंग कटी नहीं, टावर के पास पतंग लगी है शारिक की और घाव खा गए, कट गए सैफ, चले गए, एक पेज हो गया शारिक भाई, तिरछी निगाह से देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। नई वाली डोर काट रही है, नहीं काट रही, काट गुने दो काटे हैं भाई, तीन कटे हैं बस, पहली डोर बांध है तो दो कटे, तीन कटे हैं दो काटे, तीन कटे हैं दो काटे, हवा हवा थपेड़े में थोड़ा सा पेज बन नहीं पा रहा है, थोड़ा सा हवा थम जाए, बने तो काटे हैं, लगातार यही डोर लड़ाएंगे, देखते हैं क्या स्कोर रहेगा शाम को, अभी तीन और दो। और ये कांतार तारेदार मेरी पतंग बन रही है, ये हमारे जाहिद भाई आज इन्होंने इनाम रखा है, जो इधर से नौ काट देगा उसको 200 रुपए इनाम मिलेगा, देखते हैं भाई कौन काटेगा, एक फिरकी भाई इसकी खत्म होने वाली है और बस दो पेज अभी। शारिक भाई का पांचवा पेज, सीधी पतंग उतारते हुए नीचे चचा डोरों पे रखा, चुस्कियों पे पेज, धीरे धीरे पतंग को उठाते हुए पांच पेज पूरे कर लिए शारिक ने, बढ़िया पेज शारिक भाई काट रहे हैं, ये खड़े हो हाथ दिखा रहे हैं पांच पेज के लिए, क्या खिला के लाए हो शेखू भाई इनको? भाई ये नई डोर लाए हैं तो ना खींच के काट पा रहे हैं, ना फसा के काट पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, काटेंगे पेज नहीं बन रहा भाई आज, हाँ मालूम है, अच्छा अच्छा पेज कटे जा रहे हैं, डोर तो अच्छी है, खींचने वाले तो फसा रहे हैं, फसाने वाले तो खींच रहे हैं, देखते हैं खींचने वाला खींचेंगे, फसाने वाला फसाएंगे, ठीक है देखते हैं क्या स्कोर होता है। चाय में कौन है, फजील है चाय में? हाँ फजील कहाँ गए? रिजवान और फजील भाई ये बड़े मुंह चुपा रहे, देखिए तो मुंह चुपा रहे, एक से चाय एक से समोसा मंगाया जाएगा 6 बजे शाम में एंड में बिल्कुल। छठा पेज शारिक भाई का, फिर से निकलता हूँ, मुड्ढा बनाया, ताका से गद्दा मारते हुए नीचे, साहब ताका से खड़ी पतंग खींची लगातार दोनों लोग खींचते हुए और साहब भाई ने छठे पेज पे शारिक भाई को रोक लिया, पांच बढ़िया पेज शारिक भाई ने काटे थे नीली शर्ट, ये रहा साहब निशान देगा पहला भाई, टावर की वजह से हम लोग जगह नहीं ले पा रहे हैं, हम लोग को वाली जगह लेना चाहिए थी, चलिए भाई नई नई टीम आई थी तो दे दी, और ऊपर से जगह लेते हुए जिशान भाई, नीचे से अपोजिट टीम के मेंबर, जिशान भाई ने ऊंचा किया पतंग को, बिठाला गर्दन की तरह बड़े, लो फिर टूट गई भाई, पेट पे टूट गई, भैया भैया इधर इधर राउंड आइए, आप दो सही नहीं वापस करके आइए, चलिए तीन बटन टूट गई है भैया, ठीक है भाई आप वापस करके आइए, डोर सही नहीं है भाई, डोर देख रहे हैं आप, तीन पतंग मेरी लगातार टूट गई, एक तो ये वीडियो ही बन गई, दो पतंग लंबे करते करते टूट गई थी,
हम भाई ये डोर पैक करे दे रहे हैं क्योंकि पतंग के चक्कर में डेढ़ घंटा निकल गया और डेढ़ घंटे से हम सी पतंग लंबे कर रहे हैं। पतंग लंबे करते हुए तो पेज पे टूट जा रही, दो पतंग पेज पे चली गई और एक पतंग लंबे करते चले, तो डोर सही नहीं है। मीडियम धरने की डोर थी और ये बंडल 1800 का था लेकिन नहीं लड़ रही है सही सही रेंज है, तो इसलिए डोर को रख दे रहे हैं। और बहुत तारीफ कर रहे थे कि बढ़िया रील है, नौ काटेंगे कम से कम पेज तक तो भाई पहुंच पाए क्योंकि अगर ऐसे कर दे रहे तो शाम हो जाएगी। पतंग भाई ये डोर उड़ाएंगे, किसकी है ये? ये भाई हसीन लल्ला है और ये पुरानी वाली डोर इसी से इन्होंने एक बार नौ काटे थे, पिछला वाला ब्लॉग देखा था और इससे कम से कम दो नौ काट चुके हैं और ये डोर भी लगातार लड़ा रहे, तो यही दोनों डोर लड़ाएंगे वाली डोर पैक रहेगी और रोकने की कोशिश करेंगे। पांचवा पेज रिजवान भाई और जगह ली, रिजवान भाई ने पूरी टीम मेंबर टावर की तरफ बढ़ के चले आए। रिजवान भाई ने ऊंचा किया पतंग को, मुड्ढा बनाया, रुकवे बाल का मुड्ढा बना, फिर से रुके और जगह लिया पूरी टीम के मेंबर ने। रिजवान भाई ने मुड्ढा बनाया, चमकाई पतंग को, जगह ली और जगह लिया पूरी टीम के मेंबर ने। और रिजवान भाई ने मुड्ढा बनाया, बच गए। रिजवान भाई ने मुड्ढा बना, बाहर का ताकत था, ये पेच काट दिया भाई, क्या प्यारा पेच काटा है, पतंग छूट गई थी हाथ से इनके। शेखू भाई बाबर के कैप्टन, बहुत पुराने हैं, 125 साल उम्र है। कांटेक्ट नंबर अपना दे दीजिए शेखू भाई, जिससे आपसे गेम तय कर ले। नहीं भाई मैं गेम नहीं तय करना। क्यों, क्या हो गया? नहीं भाई इतने बड़े बड़े प्लेयरों से गेम तय करवा दिया तुमने। 8707460548 अभी पौना, दोनों जो मन चाहे वो तय कर सकते हैं। अगर जगह मिलेगी छत पे तो वहाँ लड़ा लीजिए, वरना कोई मैदान होगा तो वहाँ बता। हाँ मैदान कहीं भी होता है, अभी पौना दोनों लड़ा लेंगे। एक बार फिर से शेखू भाई की टीम, ये है शेखू भाई के प्लेयर और वो भतीजा मेरा, सब पतंगे तैयार कर रहे हैं। शेखू भाई के प्लेयर हैं और इधर ये भाई जो बैठे हैं बीच में, इन्होंने एक छक्का काटा है और उसके बाद ये भाई ने एक चौका काटा और बाबू भाई हैं शेखू भाई के टीम के मेंबर और एक पतंग वो लड़ा रहे हैं। शेखू भाई के बेटे हैं और ये कट गए भाई, शेखू भाई के बेटे कट गए ये पेच और काटा किसने है ये नहीं पता, काटा ये जाहिद भाई ने काटा है शायद, जाहिद भाई। शेखू भाई की ये टीम और इनका चाय वाला पेच, भैया दूसरा चाय वाला है, जाहिद भाई मुइजा, जाहिद भाई मुकर रहा है, चाय वाला पेच है इनका, चाय वाला और चाय वाला पेच, ये दो दो काट के चट से टूटी जा रही है इनकी पतंग। अब के तो नीचे से लाएंगे ये, चांस किसने दी आपको, और नीचे से लड़ाएंगे जिशान भाई। ऊंचा किया पतंग को जिशान भाई ने, सीधा मुड्ढा बनाया, रुके चक्कर दिया पतंग को, तेते झटके दे रहा हूँ ये भाई, चाय बचा ली फिर से, दोबारा से चाय बचा ली इन्होंने। मैं क्या हो रहा है, लग रहा चाय है नहीं आएगी, चाय बचा रहे बस कि हवा डाउन हो गई है थोड़ी सी। जिशान भाई नीचे से जगह लिया ले रहे हैं, बिठा ले हुए हैं जिशान भाई बिल्कुल नीचे नीचे। ऊंचा किया पतंग को जिशान भाई ने, चलाया और कट गए, टूट गई भाई इनकी, जैसे ही एक चक्कर दिया चलाया इनकी पतंग टूट गई। आज दिन नहीं है भैया, इधर आज दिन नहीं है, लड़ाने क्यों आया फिर जब दिन नहीं था? पाँच शाम हो रही है बस, लेकिन अभी पतंगे सब बढ़ा रहे हैं। बढ़िया पतंग लड़ी भाई, नंबर दे दिया है, शेखू भाई से बात कर सकते हैं। सब मेंबर थक गए हैं, दोनों टीमों में बैठे हुए हैं और ये भाई ताकत बनाते हुए पेच फंस गया, तेते थपकी मारते हुए पीछे की तरफ भाग रहे हैं और अभी भी भाग रहे हैं, फिर खींचने लग गए और खींच, देखिए अभी तक खींच रहे हैं, लगता पेज हो नहीं पाया, चलते जल्दी से पेज पे, पेज हो नहीं पाया, ऊपर लड़ा रहे और दौड़ा रहे थे, दोबारा से गद्दा बनाया, फट पे खींचा, नीचे से लड़ा रहे हैं चचा, निकलता मुड्ढा बनाया, फट पे फिर से खींचा चचा ने, ताकत से बहुत बड़ है, सीधी पतंग उतारी अपोजिट टीम के मेंबर ने, थपकते हुए दोनों लोग उठा रहे, चचा की पतंग बहुत बड़ है, ताकत से चचा खींचने लग गए पतंग को कम कराते हुए अपोजिट टीम के मेंबर, पेज नहीं हो पा रहा। बहुत बढ़ करके चचा मुड्ढा फेर रहे हैं,
और टावर ये देख रहे आगे इसकी थोड़ी सी दिक्कत हो रही, निकलता हुआ खींचा अंदर की तरफ, चाचा ने भी ताकत से खींचा, लगातार दोनों लोग खींचते चले आ रहे, और चाचा की बड़ पतंग कट गई, पतंग सीधी हुई अपोजिट टीम की और एक पेच पूरा कर लिया अपोजिट टीम के मेंबर ने। नीचे से पहुंच गए शेखू भाई, बंटी भाई चरखी दिखाते हुए, और बंटी भाई ने एक पेज भी नहीं लड़ाया आज, बंटी शेखू भाई दोनों भाई भाई, और शेखू भाई का पहला पेज चांस दी है टीम के मेंबर ने, नीचे से जगह लेते हुए शेखू भाई, ऊपर से साहब भाई, दोनों का पहला पेज जगह लेते चले आ रहे हैं, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, शेखू भाई ने भी जल्दी से पतंग को ऊँचा करा, बढ़िया पतंग लड़ाते हैं शेखू भाई बाबर के कैप्टन, और अंगूठा कटा है तो आज सिर्फ भारी भारी फंसा फंसा के लड़ा रहा है, कमर की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे सैफ, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, ताकत बनाई, करीब करा, रोके पतंग को चमकाया, पट पे खींचा शेखू भाई ने भी, दोनों लोग मुड्ढा देखते हुए पेज को फेर रहे हैं, कोई पहल नहीं कर रहा, फिर से निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, चक्कर लिए, चक्कर लेके फिर से निकलता बनाया, अंदर की तरफ खींचा है, तेते थपकिया मार दी, और बढ़िया पेज ये सैफ ने काट दिया, एक पेज पूरा कर लिया सैफ ने लगान टीम के लिए। नीचे से सैफ दूसरा पे लड़ा रहे हैं, और ऊपर से अब की बार अकील भाई है बाबा टीम की तरफ से, और अध्या ये लड़ रही है सिर्फ अद्धी, पतंग को चमकाते हुए थोड़ी सी पतंग बढ़ा अकील की कम करते हुए, अंदर के मुड्ढे पे ऊंचा करते हुए सीधी पतंग उतारी, पतंग को रोका साहब ने अंदर की तरफ ही ताका से खींचा, तेते थपकी मारी अपोजिट टीम के मेंबर, दोनों लोग थपक रहे तेते, साहब ने डोर छोड़ दी और साहब कट गए, बिग्गा खा गए थे, पतंग चली गई, एक पेज पूरा कर लिया अपोजिट टीम के मेंबर ने भी, भूल गई हूं, तीन तीन पतंग पार हो रही है, और यह है साथ शेखू भाई के साहबजादे, पतंग बहुत ताकत से खींच रहे हैं, नया खून ये रहे शेखू भाई, शारिक भाई गाड़ी पे लेटे हुए हैं, और मेंबर पतंग तैयार कर रहे हैं, तो देखते हैं साथ कितने और पेज काटेंगे, और एक पेज हमारी ओर से काट दिया है, किसने काटा, नदीम ने ये रहे नीचे का लड़ाएंगे दूसरा पेज, नीचे से जगह लेते हुए नदीम, और ये ऊपर लगी है काफ़ी ऊपर लाल पतंग साथ की, धीरे धीरे पतंग को उतार रहे हैं, निकलता हुआ मुड्ढा काफ़ी दूर से बनाया, नदीम भी उसी मुड्ढे को लेके खींच रहे, रोका डोर छोड़ी, अंदर जब ताका से खींचा, बाहर की तरफ खींच रहे हैं साथ, और काट दिया नदीम को, बढ़िया पेज एक मुड्ढे का लाया दोनों लोगों ने, अच्छा पेज ये साथ ने काट दिया, और आपस में लपजप हो रही है, अब मज़ा लेते हुए बंटी भाई, काट देना पहले भाई उस्मान, लो पेज फेर रहे थे उससे पहले ही बाबू आए थे नीचे से चांस लेके, पतंग टूट गई, उस्मान का तीसरा पेज जगह लेते हुए ऊपर से, और नीचे से बाबर के मेंबर पहुंच गए, फिर से बाबू के हाथ में पतंग दे दी गई है, चांस दी जा रही है, एकदम 6:40 हो गया है लेकिन चांस दी जा रही है, राउंड पतंग उस्मान की ताकत से खींचते हुए, अंदर की तरफ पतंग आ रही बाबू की भी, रुक गए, और देखिए भाई लेके गए थे पतंग लेकिन हाथ में दे दी है बाबू के, 6:40, दोबारा से मुड्ढा उतारते हुए उस्मान, अंदर के मुड्ढे पे बाबू खींचते हुए, ताकत से गद्दा बनाया उस्मान ने, मारते चले आ रहे, क्रॉप पट की ओर खींचा बाबू ने, तेते थपकी मार दी उस्मान ने, बढ़िया पेच काट दिया, तीन पेच पूरे हो गए उस्मान के, उस्मान का चौथा पेज, और साध रोकने के लिए आए, बढ़िया पतंग लड़ाई आज इन्होंने ताकत वाली, नीचे से जगह ले लिया, रखने का मौका नहीं दे रहे उस्मान को, पतंग को चमकाते हुए बीच में पतंग को उतारा, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया उस्मान ने, पतंग डबल होते उठ रही, तेते थपकी मारी, रोक के फिर से उस्मान ने ताकत से खींचा, दोबारा से उस्मान भी तेते थपक रहे, दोनों लोग खींचते हुए, और राउंड पतंग से उस्मान ने काट दिया साहद को, चार पेज पूरे कर लिए, ये रहा भाई चोट तो नहीं लगी भाई, इन्होंने 6 पेज शुरू में काटे थे, उसके बाद गिर गए थे, उसके बाद थोड़ा सा सदमे में रहे, स्कोर नहीं बढ़ा, और आजान हो गई भाई, गेम यहाँ पे एंड, बहुत बढ़िया गेम रहा, विलेज टीम वर्सेस बाबर काइट क्लब लखनऊ, तुमने क्यों नहीं लड़ाया बंटी भाई, दोबारा तुमने लड़ाया क्यों नहीं, ये बताओ, धूप बहुत थी, अच्छा अगली बार लड़ेगी तुमसे, आज आज क्या गेम देखने आए थे खाली।